जाड़े का समय था। अकबर और बीरबल एक तालाब के किनारे खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने पानी में हाथ डाला और कहा कि पानी तो इतना ठंडा है, क्या कोई इंसान इसमें रात भर खड़े रहकर बिता सकता है? तो उसने सोचा क्यों न इसका ऐलान कर दिया जाए। और अगले दिन ही उसने राज दरबार से इस बात का ऐलान कर दिया कि जो भी इंसान रात भर पानी में ठंड में खड़ा रहेगा उसको इनाम दिया जाएगा। बहुत लोगों ने प्रयास किया लेकिन कोई भी इस बात पर खरा नहीं उतर सका। तभी एक गरीब ब्राह्मण ने इसे पूरा करने का कोशिश किया क्योंकि उसके लड़की की शादी था और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। जैसे तैसे उसने रात बिता लिया उसमें और सुबह होते ही वो दरबार में पहुंच गया। राजा ने उससे पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया? तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, आपके महल के ऊपर जो लाइट जल रही थी मैंने उसको देख कर ही रात बिताया। तभी एक दरबारी ने अकबर के कान में जाकर कहा कि महाराज, जरूर इसको उस लाइट से गर्मी मिल रही थी। ये सुनकर पंडित जी वहाँ से चले गए। अगले दिन बीरबल उस दरबार में नहीं थे तो अकबर ने पूछा बीरबल कहाँ हैं? तो दरबारियों ने बताया कि बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी जब बीरबल दरबार में नहीं पहुँचे तो अकबर खुद वहाँ आए और उन्हें बीरबल लकड़ी के खंभे पर खिचड़ी पका रहे थे जिसे बहुत ऊपर बांध रखा था जहाँ तक आग की आँच नहीं पहुँच रही थी। तो अकबर ने कहा कि ऐसे तुम्हारी खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल ने कहा नहीं नहीं खिचड़ी पकेगी। अकबर ने गुस्से में कहा ऐसे कैसे पक जाएगी जब इतना ऊपर है तुम्हारा? तो बीरबल ने कहा ठीक वैसे ही पक जाएगी जैसे उस गरीब ब्राह्मण को इतना दूर से आपके महल से महल की लाइट से उनको जो गर्मी मिल रही थी उसी तरह। अकबर समझ जाता है और उसे ब्राह्मण को बुलाकर उसका इनाम उसको